ये है लड्डू बाबू, एज 27 इयर्स ओनली, वेट आपकी कल्पना से भी भारी। जब ये स्ट्रेस्ड होते हैं बहुत टेंस होते हैं, तोपों की सलामी देने लगते हैं, गैस प्रॉब्लम। हमेशा से हाथी जैसा मोटा नहीं था, स्मार्ट था, स्लिम और एक्टिव था, एनर्जी और पावर से भरपूर। एक बार की बात है, आधी रात को एंसेफलाइटिस वायरस से इन्फेक्टेड मच्छर ने उसे काट लिया। रेशियो वैसे देखें तो 1 करोड़ में से 1 को ही काटता है, लेकिन इस दफा अनलकी ड्रॉ के विनर थे लड्डू बाबू। मच्छर के काटने के 2 दिन बाद उसके पैर थोड़े थोड़े फूलने लगे। उसे लगा कोई मामूली सूजन है, पर उसके बाद हाथ में सूजन आ गई। धीरे धीरे हमारा स्लिम लड्डू ढोल बनता गया। लाख कोशिशों के बाद भी 1 ग्राम वजन भी कम नहीं कर पाया। हौसले के साथ साथ चीजें भी टूटने लगी। बढ़ते वजन से पिताश्री टेंशन में आने लगे, इसलिए कि अब लड्डू उनके हिस्से का खाना भी खाने लगे। एक लाइन में उनका कैरेक्टर समझना हो तो चीची, मक्खी चूस को झेलना मुश्किल हो गया। किसकी बात कर रहे हो? और किसकी, अपने किशन की। किशन की पार्टी देने के नाम पर मुझे लंगर में लेके गया और मुफ्त का खाना। ये तो कुछ भी नहीं है, मंदिर जाने का नाम लेके फ्री प्रसाद की लाइन में मुझे धक्का दे दिया। अरे एक पैकेट से क्या होगा, एक और लेके आ। अपने कपड़े फड़वा कर किसी तरह एक और प्रसाद ले आया, बेशरम पट्टा दोनों खा गया। एक दिन देखना, प्रकृति बदला लेगी तब अकल ठिकाने आएगी। इस पूरे विश्व में किशन के अलावा ऐसे स्टूपिड वाहियात आइडियाज किसी को आ ही नहीं सकते, और यही उसकी स्पेशलिटी है। ये कोई अजूबा है जो तू टुकुर टुकुर देख रहा है? हर पंखे में 3 ब्लेड्स होते हैं, तो हटाने का क्या मतलब है? बिजली की खपत फैन की रफ्तार और वेट पे निर्भर है। इस ब्लेड को भी हटा देते इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत कम आता। इसे भी हटाया तो गर्मी से मर नहीं जाएंगे, अकल के दुश्मन। प्रॉपर्टी के नाम पे बस यही एक घर है। शादी होने के बाद किशन ने एक ही प्लानिंग की, घर बेच के वाइफ के साथ गोवा सेटल होने की। एक ही अड़चन थी कि ये घर उनकी सास का था। यहाँ साइन कीजिए मैडम। मम्मी, सास की सांस उखड़ गई, पूरी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम कर गई। ये क्या वसीयत लड्डू की माँ के नाम कर गई। घर बेचने के लिए अपनी बीवी को उसने खूब मक्खन लगाया। पहन दो जल्दी। मैडम टेक दिस, इधर साइन कीजिए। मेरी प्यारी बीवी, साइन करो ना। कर भी दो अब। अरे अब साइन कर भी दो भाई। हैं? अरे क्या हुआ? अपने दामाद को खूब पहचानती थी सास, इसलिए एक क्लॉज डाला। जी हाँ, वो प्रॉपर्टी तब तक नहीं बेच सकते जब तक लड्डू की शादी ना हो जाए। सुन के किशन सदमे में आ गया और गोवा का सपना गो गो गॉन हो गया, या यूं कहें कुछ साल पोस्टपोन हो गया। अब इंतजार करना था लड्डू के बड़े होने तक। किशन की ट्रेजिक स्टोरी और लड्डू की कहानी में बहुत फर्क था। ये एक अलग किस्म की लव स्टोरी है, पर लव प्यार इश्क में एक विलन है। लव स्टोरी के लिए एक लौंडा चाहिए, एक छावी चाहिए, और ऑफ कोर्स लव भी चाहिए। लड़के के नाम पे लड्डू बाबू है, लव भी है, लेकिन कोई लड़की नहीं है। वो जानता था बिना खुद को स्लिम किए लड़की मिलने के चांस बहुत स्लिम है। बस लाइफ को बेवजह जिए जा रहा था, यही है उसकी कहानी। Bye.
बेटा लड्डू जरा एक मिनट रुको तो। कोई काम है पापा? अपने हाथ हैंड्स अप करो, आंखें बंद करो और 3 बार ओम बोलो। योगा करवाना है। तेरी बीमारी योगा से ठीक होने वाली है क्या? जो बोला वो करो। ओम ओम ओम। पापा तेरा बाप हूँ, पैसे कहाँ रखता मुझे नहीं पता होगा। पापा स्कूटर में पेट्रोल भरवाना है पापा। लड्डू लड्डू रुक रुक, याद है ना शाम को लड़की देखनी है, जल्दी आ जाना, लेट किया तो तेरा खून कर दूंगा। अच्छा बाबू। सर तुम्हारी वजह से पिछले हफ्ते 4 चॉकलेट बॉक्सेस का लॉस हुआ, पता है कैसे? सॉरी सर। सॉरी से कैंडी बार बनाऊं क्या? इस बार अगर तेरी वजह से चॉकलेट के फ्री बॉक्सेस बांटने पड़े ना तो उसके पैसे तेरी सैलरी से काटूंगा मैं। अरे लड्डू बाबू मुझे थोड़ा सा डाउट है, पिछले हफ्ते डॉक्टर से मिला तो उसने कहा डायबिटीज का चांस है, रोज 4 किलोमीटर वॉक करने की सलाह दी। मैं पार्क में जाने की जगह तुम्हारे 4 चक्कर लगा लिया करूंगा। सर इतना ज्यादा भी मोटा नहीं हूँ। नहीं हो? नहीं बिल्कुल मोटे नहीं हो, तुम तो बॉल पेन की रिफिल के पॉइंट से भी पतले हो, 0 साइज हो, एकदम पतले, हाथी कहीं का। अब अच्छे से पतला बनना, जाओ जाकर खड़े हो जाओ। लड्डू का डेली रूटीन ऐसे ही शुरू होता है, सेल्स प्रमोशन डिपार्टमेंट, रोज नए नए गेटअप करना, शॉप के बाहर स्टैचू बनके खड़े रहना, जो भी कस्टमर आए अगर वो लड्डू को हिला पाया उन सबको शॉप की तरफ से एक फ्री चॉकलेट बॉक्स मिलता है, और जब भी ऐसा अनर्थ होता है ओनर का पारा और भी चढ़ जाता है। इस नौकरी से मुश्किल से एक टाइम के खाने का जुगाड़ हो पाता है, 2 बार खाना हो तो और काम करने पड़ते हैं, जैसे कार में पैम्फलेट्स लगाना, पेट्रोल पंप के बाहर शेविंग क्रीम और रेजर बेचना। सर स्मूथ ड्राइविंग की तरह ही स्मूथ शेविंग, फोम के साथ रेजर फ्री, ले लीजिए ना। शेविंग और मैं? सॉरी सर। ट्रैफिक सिग्नल पे मच्छर मारने वाला बैट बेचता, कपड़ों के शोरूम में डमीज को ड्रेस पहनाता। अरे लड्डू बाबू सर ये सुंदर सुंदर मुखड़े ढके क्यों हैं? सर धूप से बचने के लिए लड़कियां चेहरे पे दुपट्टा बांध के स्कूटी चलाती है। अच्छा। आजकल यही लेटेस्ट फैशन है। और ये है मेरी तरफ से उसका प्रमोशन। म्यूजिक कॉन्सर्ट में घटम बजाता, प्लांट नर्सरी में पौधों को पानी देता। लड्डू बाबू सर फूलों के बजाय क्लाइंट को नीचे की डंडियों का बुके बनाकर भेज दिया। उनसे कहिए डंडी पानी में रखे, कुछ दिन बाद फूल अपने आप उग जाएंगे। अभी नहीं, फूलों को तेरे शरीर पर सजाऊं, स्टूपिड इडियट। फिर मद्रास कैफे में शेफ बनता। ए चटनी को पानी के जैसा बाहर आए, तेरे बाप का नारियल का खेत है। एक्स्ट्रा इनकम के लिए जो काम मिलता लड्डू कर लेता। मर गया ये मैं, यहाँ ट्रैफिक सिग्नल लगा है जो यहाँ रुक गया है।
क्या करूं इसका मैं? जल्दी आने को बोला था ना, जान करके लेट आया तू, लेट आया। बाप की बात याद नहीं रहती है? बहुत जल्दी चढ़ गई है। हरा क्यों है? अंदर चल रहा हूँ। अंदर चल, खबर देता हूँ तेरी। चल अंदर। अपना 9.5 किलो का सर उठा और लड़की को देख। किशन पहले भी कई सारी लड़कियां देख चुके हैं, कुंडलियां तक मिलाई। ये पहले से पता होता कि लड़की लड्डू को रिजेक्ट कर देगी, पर इस बार टकली लड़की लेके आए। लोकल जिम खाने की बॉडी बिल्डर भी दिखाई। हैंड पंप से भी छोटी नाटी दिखाई। एलियन से भी विचित्र कुछ नमूने भी दिखाए। खैर, आज जो लड़की दिखाई कुछ हटके हुआ। अब तक के सारे प्रपोजल में ये अव्वल नंबर था, क्योंकि इस बार एक लड़की नहीं लड़का था। चलो लड्डू, लड़की पसंद आई? पापा एक सेकंड आइए। अब इसमें क्या कमी है? कैसे कहूँ, यानी लड़की पसंद है, नो एंगेजमेंट, डायरेक्ट शादी कर लेते हैं है? वो आपको कौन से एंगल से लड़की लगती है? एक फुल फ्लेज मर्द लग रहा है मुझे। क्या कहा? दिमाग खराब है तेरा। स्वीट लिटिल गर्ल है, माँ की बजाय पापा के जीन्स ज्यादा हावी हो गए। ये भी कोई मैच है? माना कि मैं शेविंग रेजर बेचता हूँ, इसे फ्री में नहीं दूंगा। क्या कह रहा है आपका बेटा, कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अपनी बेटी से कहो एक बार शेव कर ले, अपनी मूछें मंडवा ले। हे, ये कैसी बातें कर रहे हो? फोटो तो देख चुके थे ना? फोटो देखने के बाद भी बुला लिया? मान जा बेटा, शेविंग के पैसे मुझसे ले लेना। टॉर्च लेके ढूंढने से भी इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। शादी कर ले प्लीज। नहीं, शादी नहीं करनी। तो फिर हमें क्यों बुलाए, बेइज्जत करने के लिए? अरे मूछ में क्या हीरे मोती जड़े हैं जो नहीं मुंडवा सकते? ए, अगर एक बार भी इसकी मूछें शेव करने के लिए कहा तो ब्लेड से तुम्हारी जुबान काट दूंगा। मूछों पर ध्यान देने के बजाय अपने बेटे के मोटापे पर ध्यान दो। ये भद्दा बदसूरत मोटा किसी भैंसे के जैसे दिखता है। अरे कहाँ जा रहा है? फूटी किस्मत,